दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और नए अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा से दिल्ली सेक्शन का अपडेट देख रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कोटा के मंडावरा इंटरचेंज से इटावा इंटरचेंज तक का अपडेट देखा था। आज के इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एशिया का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास बनाया जा रहा है, उसका अपडेट हम देखने वाले हैं। ये ओवरपास राजस्थान के बूंदी जिले में लाखेरी तहसील के पास बनाया जा रहा है। ये टोटल 5 ओवरपास होने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक का 500 मीटर लेंथ रहेगा, जबकि यहाँ पे कई जगह पे अंडरपास भी बनाए गए हैं, जिससे कि वन्य जीव हैं वो इस एक्सप्रेसवे को आसानी से एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर सके। आप अगर सामने देखेंगे तो ये जो ब्रिज है ये अंडरपास बनाया गया है और इसी के आगे से ये 6 किलोमीटर का जो हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे का वो स्टार्ट होता है। आप साइड में देख सकते हैं कि ये जो वॉल बना रखी है इसके ऊपर नॉइस बैरियर लगा रखे हैं, ताकि जो भी इस एक्सप्रेसवे पे व्हीकल मूवमेंट होगा उनका नॉइस बाहर ना जाए और वन्य जीवों की गतिविधियों में कोई चेंजेस ना आए। और ये 6 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें सीमेंट कंक्रीट का रोड आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं इसके आगे और देखते हैं इन ओवरपास का कितना काम बचा हुआ है या फिर ये कम्प्लीट कर लिए गए हैं। आप जैसे जैसे इस 6 किलोमीटर के हिस्से में ट्रेवल करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है। अमूमन हमें देखने को मिला है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जमीन है उससे काफी हाइट पे बनाया गया है, जबकि ये जो 6 किलोमीटर का हिस्सा है इसमें इस एक्सप्रेसवे को जमीन से थोड़ा नीचे बनाया गया है, जिससे कि जो एनिमल्स हैं वो आसानी से ओवरपास के माध्यम से इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर सके। आप देख सकते हैं साइड में जो वॉल है ये पूरे 6 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है और इसका हाइट काफी ज्यादा रखा गया है, जिससे कि वन्य जीव वन्य प्राणी इस एक्सप्रेसवे पे ना आ सके। ये जो आप देख रहे हैं ये पहला ओवरपास होने वाला है। आप ऊपर से देखेंगे ड्रोन के माध्यम से तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मिट्टी डाल रखी है, जबकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे हैवी बारिश हो रहा है और काफी टाइम वेट करने के बाद ड्रोन को उड़ा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ज्यादा दूर तक विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपडेट दिखा पाऊँ। ये जो ओवरपास बनाया गया है इसको चारों तरफ से कवर किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो वाल है उस वाल के ऊपर नॉइस बैरियर भी यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि कोई भी वन्य जीव इस एक्सप्रेसवे को एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं इसके आगे और बाकी के 4 बचे हुए ओवरपास का अपडेट भी अपन देखते हैं। हम जैसे ही इस ओवरपास के अंदर ट्रेवल करेंगे आप देख सकते हैं कि लाइटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, जबकि अगर साउंड की बात की जाए इसके अंदर व्हीकल साउंड की तो वो काफी ज्यादा आने वाला है। आप ये फुटेज देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जब इस एक्सप्रेसवे को फुली ओपन कर दिया जाएगा तब इस पे कितना नॉइस इस ओवरपास के अंदर रहने वाला है। आप जैसे ही इस एक ओवरपास से ट्रेवल करके बाहर निकलेंगे तो आपको इस साइड पे एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए बूथ मिलेगा। आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए सारे ओवरपास जो बनाए हैं उनके लास्ट में ये लगाए गए हैं। तो चलते हैं इसके आगे और अगले वाले ओवरपास का अपडेट देखते हैं।
यहाँ पे 100% इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट कर लिया है। ये जो पांचों ओवरपास हैं इनका काम भी यहाँ पे 100% कंप्लीट कर रखा है। जो ब्रिज बनाया गया था उस पे मिट्टी डाली गई है और प्लांटेशन करना अभी बाकी है। ये पांचों ओवरपास खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे ही वे साइड एमिनिटीज आपको मिलने वाली है। तो अब इन ओवरपास का अपडेट हमने देख लिया है, ये बनकर 100% कंप्लीट है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको बनाया गया है। अब चलते हैं इसके आगे और उस वे साइड एमिनिटीज का अपडेट देखते हैं कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वे साइड अम्यूनिटीज पे अभी ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे वे साइड अम्यूनिटीज में जो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं उनका फाउंडेशन का काम यहाँ पे कर लिया गया है, जबकि कुछ कुछ जगह ब्रिक वॉल का काम भी आपको देखने को मिलेगा। इस वे साइड अम्यूनिटीज जस्ट सामने जो मेन अलाइनमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर आपको जो रोड लाइट है उनका काम पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। आज के इस वीडियो में हमने एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एनिमल फ्लाई ओवर के बारे में अपडेट देखा है और इससे आगे का अपडेट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, जो कि इटावा इंटरचेंज से शुरू होगा और सवाई माधोपुर तक लगभग ये 60 किलोमीटर लंबा अपडेट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आज का अपडेट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।